अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के अंदर मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। सीबीएसई वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या होगा, क्या चीज कम हो जाएगी? ये देखो, ये मैंने अगले शीट में लिखा हुआ है, ये पेपर में आता है। वो ये पूछेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, तो आप ये लिखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, ओम लॉ से हमने ड्राइव किया था ये। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तो कोलिजन का टाइम घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज भाग रहा है तो कोलिजन का टाइम घटता है, टाउ घटता है, डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता था, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर से क्या होता है, घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्लियर है यहां तक? तो कितनी बढ़ती है, तो टॉपिक है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और किसी वायर की रेजिस्टेंस आर 0 है और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया टी कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, आर ऑफ टी हो गई। तो कितनी इंक्रीज हुई, आर टी माइनस आर 0, डेल्टा आर का मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? अब यह देखा गया है कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, मान लो जो आप लेके आए थे ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वो आर नॉट है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई बाय डेल्टा आर। तो जितनी वैल्यू आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस की थी उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से चेंज भी उसके प्रोपोर्शनलिटी में ही होगा। कैसे? जैसे मान लो आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ओम की थी, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो रेजिस्टेंस बढ़ गई और कितनी बढ़ गई, 0.1 ओम बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन मान लो अगर आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस 20,000 ओम है और आपने सेम टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब डेल्टा आर की वैल्यू मान लो 20 ओम हो गया। देखो ना, ओरिजिनल रेजिस्टेंस छोटी है तो इंक्रीज भी छोटा है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस बड़ी है तो इंक्रीज भी बड़ा है, सही है? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर 0 टेम्परेचर पे आर 0 थी तो इंक्रीज कितना है, डेल्टा आर है, कोई डाउट इसमें? और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा आर भी ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये रिलेशन आएगा। अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, और लास्ट मटेरियल पे, वायर का मटेरियल क्या है। कुछ मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, कुछ कम करेंगे। मटेरियल के लिए कांस्टेंट आएगा अल्फा, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा होता क्या है, डेल्टा आर को इन दोनों से डिवाइड कर दें। अल्फा के यूनिट्स क्या हैं, ओम से ओम कैंसल, या तो 1/डिग्री सेल्सियस या 1/केल्विन। तो इंक्रीज इस डेल्टा आर की जगह आर टी माइनस आर जीरो पुट कर दें, कि पहले रेजिस्टेंस आर जीरो थी, अब रेजिस्टेंस आर टी है, तो डेल्टा आर इज आर टी माइनस आर जीरो, ये वैल्यू आ गई। आर जीरो राइट पे चला गया तो ये वैल्यू आ गई। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें, ये फॉर्मूला आपको ऐसा ही लग रहा है, ये फॉर्मूला देखा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन। एक्चुअल में 4 चीज़ें टेम्परेचर से बढ़ती हैं फिजिक्स में, 3 की हैं +1 में, लेंथ बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और एक ही +2 में रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो फॉर्मूले सबके सेम है, और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। ये फॉर्मूले दोनों नोट कर लें ठीक फॉर्मूला रजिस्टर में। अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन अल्फा डैश का मतलब टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों फॉर्मूलाज को फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लें प्लीज़।